हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का आज साइंस का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, आप लोग मिलाएंगे किसका कितना ऑब्जेक्टिव आंसर सही हुआ है। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म लिखने में से किसके आवर्त फलन होते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या, बी एटॉमिक नंबर। इंग्लिश में सही हो जाएगा इसका उत्तर। दोस्तों, हॉरिजेंटल रो को कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारे को कहते हैं दोस्तों पीरियड, ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोहे के फ्राइंग पैन में जंग से बचाने के लिए कौन सा विधि, तो जिंक की परत चढ़ाते हैं, सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों इसका घेगा रोग, ए उत्तर सही हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है, वृद्धि हार्मोन, ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विखंडन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूजन, फ्यूजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ओबरी, सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रण करता है, तो द्वार कोशिकाएं, ए उत्तर सही हो जाएगा, गार्ड सेल। टेंथ दसवा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन सही उत्तर है, बी उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों, मानव के का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वृक्क किडनी, जिसको बोलते हैं दोस्तों, ए उत्तर सही है। एंड्रोजिन क्या है, दोस्तों इसका हो जाएगा पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाइसेक्चुअल कौन सा है, मतलब उभयलिंगी, केचुआ इसका सही उत्तर है, अर्थवर्म। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे को चुना, तो मटर के पौधे, पी प्लांट सही हो जाएगा। दोस्तों उत्तर डी। फिफ्टींथ क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है, अपेंडिक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, वेस्टिजियल ऑर्गेन अपेंडिक्स है। दोस्तों, अगला, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण, फॉरेस्ट कंजर्वेशन इसका सही उत्तर है। दोस्तों, सेवनटींथ क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो कूटपाद के द्वारा, बाय स्यूडोपोडिया सही उत्तर हो जाएगा, सी उत्तर। दोस्तों, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लाइपेज, LYPAC लाइपेज सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, 19 नंबर है, किस प्रकार के श्रवसन की अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा वास्वी, एरोबिक रेस्पिरेशन सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मछली का श्रवसन नांग है, तो दोस्तों इस मछली जो रेस्पिरेटरी ऑर्गेन है, तो इसका गिल्स, बी उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे कम क्रियाशील अभिक्रियाशील धातु है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी आयरन, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो सबसे कम रिएक्टिव है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, ये उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला, अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें रहेगा, तो उसको आयन कहते हैं, अल्काइन कहते हैं। दोस्तों, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले को त्रि आबंधन को आयन कहते हैं। इथेनॉल, इथेनॉल अल्कोहल ग्रुप है, तो OH हो जाएगा। दोस्तों, ये उत्तर सही है। 24 नंबर, विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट है ओम मीटर, डी उत्तर इसका सही है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिल्वर। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कौन डिस्कवर किए थे, दोस्तों ओरिएस्टेड इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर में हम जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और मैकेनिकल में चेंज होता है, तो डी उत्तर सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। इफ द इमेज ऑफ एन दर्पण के सामने किसी भी दूरी वस्तु पर प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, यह दर्पण हो सकता है, हम तो जानते हैं दोस्तों प्लेन भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा डी, या तो समतल या तो उत्तल। 30 नंबर देखेंगे दोस्तों, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है, हेडलाइट में हम जानते हैं दोस्तों कनकेव, ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, दोस्तों डायमंड सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, अभी सारी लेंस तो कन्वर्जिंग कन्वेक्स लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
जब किसी अभिक्रिया में सॉरी इफ द सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं दोस्तों। उपचयन ए उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है दोस्तों ये वाला। अम्ल का पीएच मान होता है तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है दोस्तों। धोने वाला सोडा को कहते हैं दोस्तों, वॉशिंग सोडा को कहते हैं Na2CO3.10H2O। सी उत्तर इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। मधुमक्खी के डंक में होता है कौन सा अम्ल, तो मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आवर्धन का सूत्र होता है भी वायु लेंस का, डी उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो कॉर्निया इसका ए उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। वायुमंडल के में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो हम जानते हैं दोस्तों ब्लू लाइट, मोर एटमॉस्फेयर ब्लू लाइट, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला, प्रकाश की किस घटना द्वारा कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा बी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई घनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र पर उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय की धारा की दिशा किसे होगा, ऊपर मुखी हो जाएगा, आंसर डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, घर में जो यूज़ करते हैं हम लोग अल्ट एसी 220 वोल्ट, सी उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। सोलर एनर्जी को हम लोग क्लाउडी डे में यूज नहीं कर सकते हैं, बादलों वाले दिन में सोलर एनर्जी का यूज नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डेराइव्ड फ्रॉम सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से सूर्य ऊर्जा से कौन सा डेराइव्ड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जियो थर्मल एनर्जी, ए उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सी उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टर्टरिक अम्ल होता है इमली में, टर्टरिक अम्ल होता है इमली में टेमेरिंड में। अगला, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है दोस्तों CsO4.2H2O, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आप लोग को यदि ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसी तरह मैं हर एक रोज़ का सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोग मिलाएंगे किसका कितना आंसर सही है, और कमेंट में ज़रूर हमको बताएंगे किसका कितना आंसर सही हुआ है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।